ये दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। It is important to keep in mind, and Joe, you worked on India before many of us does. India has a unique strategic character. It will not be an ally of the United States. It has a desire to be an independent, powerful state. It will be another great power. जो officials हैं White House के, और उन्होंने मतलब conference के press conference के दौरान जो India को as a great nation कहा है। The most important bilateral relationship for the United States into the 21st century is India. मगर इधर जलील और ख्वार करने के लिए USA ने सिक्स कंपनीज पाकिस्तान की सिक्स कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं और ये कहा है कि ये छह कंपनीज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस को यूज करते हुए पाकिस्तान के अंदर से एटॉमिक पावर प्रोग्रामिंग बाहर सेल करेंगे। तो ये जो प्रेशर इनके दरमियान नहीं है, ये प्रेशर जो आ रहा है बाहर से। अर्ज पाकिस्तान को एक और इन्वर्टेड कॉमास में एजाज हासिल हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा हकीर तरीन या कमजोर तरीन पासपोर्ट बन गया। वो कहते हैं शेम, शेमलेस को शेम नहीं होता ना, शेमफुल। हाउ कैन यू डू, यू होता ही नहीं है। परसों अफगानिस्तान के अंदर काबुल में उन्होंने एक ग्लोब नक्शा बनाया अमेरिका का, अफगानिस्तान, तो उन्होंने अटक तक का एरिया अपने अंदर कर लिया। अगर एक साइड से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो ले लेते हैं, आपका जेलम तक, गुजरात तक, दूसरी साइड अटक तक अगर वो ले लेते हैं, पीछे आपके क्या। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस के, जो यूएस में व्हाइट हाउस है, वहां के एक बड़े अधिकारी ने ये घोषणा की है कि भारत एक बहुत ही बड़ी ताकत है और भारत के साथ द्विपक्षीय जो मतलब संबंध में रहेंगे वो उन्हें बहुत ही बड़ी ताकत, मतलब दुनिया में भारत जो है उभरने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में अमेरिका के साथ में जिस तरीके से भारत के संबंध उभर कर आए हैं, इस तरीके से किसी भी देश के अब तक कोई संबंध उभर कर नहीं आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मतलब एक बैठक हुई थी, उस बैठक में जो पाकिस्तान के परमाणु बम हैं, परमाणु हथियार हैं, उनको लेकर भी चिंता जताई है और इस पर एक्शन लेते हुए उन्होंने पाकिस्तान की 6 कंपनियों को बंद कर दिया है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। जैसे ही पाकिस्तान को ये पता चला कि हमारा हर तरीके से, हर तरफ से मतलब तौबा ही तौबा हो रही है, उसी तरीके से मतलब उनको पता चला कि भारत जो है दिन प्रतिदिन नई नई तरक्की करता जा रहा है, इसको लेकर वो जो है बौखलाए हुए महसूस कर रहे हैं। पाक मीडिया में इस बात का बहुत ज़्यादा चर्चा है क्योंकि भारत को जब भी कोई उपाधि मिलती है, जब भी उसे उसके कार्य को देखकर उसे अच्छा कहा जाता है, वर्ल्ड लीडर कहा जाता है, तो इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूएस की जानिब से यूएस ने जो इंडिया को एज अ ग्रेट नेशन कहा है और कहा है कि बहुत अच्छी नेशन है। और आपको पता है जो ऑफिशियल्स हैं व्हाइट हाउस के, और उन्होंने मतलब कॉन्फ्रेंस के, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में इंडियन वीज़ास के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके सोल्यूशन के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके अलावा इन्होंने इंडिया की बहुत ज़्यादा जो टाइज थी, इंडिया और यूएस की रिलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज बताई। सर आप क्या समझेंगे कि इंडिया का यूएस के साथ इतना गहरा रिलेशन होता जा रहा है? बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के साथ था, इवन कि पाकिस्तान के साथ आए दिन कोई ना कोई खबरें इस तरह मिलती हैं। दूसरी जानिब मैं आपको इसका कंपैरिजन बता दी जाऊं कि यूएस ने उसी दौरान ही पाकिस्तान की 5 या 6 कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और कहा है कि ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? भैया सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप अब अपने पाकिस्तान का भारत के साथ कंपैरिजन करें। वो बहुत टाइम गुजर चुका है। आपको इतने ज्यादा करप्शन में डूब चुके हैं पिछले 75 सालों में और आपने अपने मुल्क की जो इकॉनमी और हर चीज के अंदर जो तबाही फेरी है उसका, तो उस पर मैं उसका थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ। आज आपके जो फॉरेन रिजर्व है 6.56 के करीब है, बिलियन के करीब, उनके जो है इस वक्त 560 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व। उसके बाद उनके IIT को देखें, उनके जो उनके इंस्टीट्यूशंस देखें, आप आज देखें तो आज आपके बच्चे CSS भी करते हैं करप्शन के लिए, आर्मी में भी जाते हैं तो करप्शन के लिए, जुडिशरी में जाते हैं तब भी करप्शन के लिए। तो जब आपका, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा ये कहूंगा रफिया, इस वक्त पाकिस्तान में शरीफ आदमी को कोई अपनी बच्ची का रिश्ता तक नहीं देता। आपने कल्चर को इतना चेंज कर दिया, आपने करप्शन को इतना, आपके बोन मैरो में घुस चुकी है करप्शन, उसमें भारत के साथ आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरा, उनके मार्शल लॉ देखें, उनके अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई,
जब अगले दिन बाजवा साहब और मुसलसल आसम नसीर साहब के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी, तो मैंने इस दौरान भारत के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश की कि वहां पे आर्मी चीफ की एक्सटेंशंस की क्या हिस्ट्री मौजूद है। तो वहां पे आज देखें आप किसी इंडियन से पूछे आपके भारतीय चीफ का नाम क्या है तो किसी को नहीं पता। आपने 7 महीने खुल के कंपेन की है, सिर्फ झगड़ा नहीं किया। लोग कहते थे मार्शल लॉ लगने वाला था, मेरे नजर में तो आप मार्शल लॉ में रह रहे हैं, यू हैव मार्शल लॉ। आपकी जजे आपके जजेस जो है जुडिशरी वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है, आपके आपका पीआईए उड़ाती है तो आपका एयर मार्शल उड़ाता है, आपका वापडा चलाता है तो आर्मी चलाती है, आप हर शहर जो है वो बैरिया और डिफेंस बन चुका है। आपने अगर 6 साल के अंदर बाजवा साहब के पीरियड में 5 प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, बाजवा साहब का अगर शेड्यूल देखें तो मेरे ख्याल उनके पास टाइम ही मौजूद नहीं था कि वो बॉर्डर पे तवज्जो देते, क्योंकि वो सारी सियासत को मैनेज करते रहे। तो दर हकीकत आपका इस वक्त कंपैरिजन अब तो अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान के साथ ज्यादती है। अब तो तालिबान भी जिहाद छोड़ गए हैं जिसकी ट्रेनिंग आपको इमरान खान साहब ने दे दी है। आपकी इस वक्त अगर मिसाल दी जा सकती है तो सोमालिया और कांगो की दी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त अफगानी करेंसी भी वो पाकिस्तान से बेहतर है। और दूसरा, आज आपने कभी मुझे करेक्ट करें अगर आप के सारे क्राइसिस में आपको सैलाब जदगान की भी बात कहीं से नजर आती, कोई इस पे नहीं पूछा। तो 4 करोड़ लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं और आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। इवन कि आज नहीं कर रहा मीडिया भी इस पे कोई कवरेज नहीं कर रहा। नहीं देखे उनको तो खैर करनी ही नहीं चाहिए, उनका तो मसला नहीं है ये। आपके इस वक्त दोनों बॉर्डर जो है, एक बॉर्डर पे भारत की आर्मी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब आपको मुसलसल कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेना। टीटीपी ने आपके अंदर घुस के आपके आपके फौजियों के सिपाहियों के सर उतार के साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी के माथे पे बल देखा है आपने? इस वक्त खबरें क्या चल रही हैं मैं बता देता हूं। आपके एंकर किन दो चीजों पे इस वक्त सारा दिन जो है मुर्गों की तरह लड़ाइयां करते हैं। एक खबर आपकी ये है कि वो पीरनी साहबा की वीडियो ऑडियो निकल आई है आपके जुल्फी बुखारी के साथ, कल सारा दिन उन्होंने उसके ऊपर मजे लिए, आज मजे ले रहे हैं कि परवेज लाई को किस तरह पीडीएम वाले अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो खतरनाक सतह पे पहुंच चुके हैं। किसी को कोई खबर नहीं है कि आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो लेना चाहते हैं। परसों अफगानिस्तान के अंदर काबुल में उन्होंने एक ग्लोब नक्शा बनाया अमेरिका का अफगानिस्तान, तो उन्होंने अटक तक का एरिया अपने अंदर कर लिया। अगर एक साइड से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो ले लेते हैं आपका जेलम तक गुजरात तक, दूसरी साइड अटक तक अगर वो ले लेते हैं, पीछे आपके क्या बचेगा? दरमियान को बचती चीज ये यूएसए ने 6 कंपनीज पाकिस्तान की 6 कंपनीज पर सैंक्शन लगाए हैं और ये कहा है कि ये 6 कंपनीज अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस को यूज करते हुए पाकिस्तान के अंदर से एटॉमिक पावर प्रोग्रामिंग बाहर सेल करेंगे। जी हाँ, ये इल्जाम यूएसए ने लगाया है पाकिस्तान की 6 कंपनियों पे, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने भी कवर किया। रिसेंट अपडेट है कि पाकिस्तान की 6 कंपनीज पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाई हैं और वजह ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पास जो एटॉमिक पावर है उसकी प्रोग्रामिंग रिवील करेंगे वो 6 कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज को अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस को इस्तेमाल करते हुए। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या पाकिस्तान पे इतनी गुर्बत आ गई है कि अब हमें अपनी? तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा ही होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके माइंड में जो भी कोई थॉट आया है उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।